लिगेंड्स लिगेंड्स आर दोज स्पीसीज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट और आर न्यूट्रल एटम आर कॉल्ड लिगेंड्स एंड लिगेंड्स आर ऑल्सो नॉन एज वट लीव्स बेसिस बिकॉज दे आर फैंटास्टिक डोनर और डोनेट अ लोन पेयर और अ टू इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लिगेंड्स लाइक CO NH3H2 आर न्यूट्रल लिगेंड वाइल Cn माइनस आइन FCl बियर आइन नेगेटिव चार्ज आइन ओके NO2 माइनस आइन 92 O92N आइन साइनाइड दीज आर अ नेगेटिवली चार्ज और एनायनिक लिगेंड्स नाउ सिंपली इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म आई वुड लाइक टू टेल यू दैट डेंटिसिटी डेंटिसिटी मीन्स अ लिगेंड विच हैविंग अ नंबर ऑफ लिगेटिंग एटम्स और डोनेटिंग एटम्स दैट इज नॉन द डेंटिसिटी ऑफ दैट लिगेंड इफ अ लिगेंड हैविंग ओनली वन एटम और वन डोनेटिंग एटम और वन लिगेटिंग एटम टू द डोनेट टू द सेंट्रल मेटल एटम डोनेट अ लोन पेयर और टू इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दैट काइंड ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड अ मोनोडेंटेट लिगेंड एग्जाम्पल आर लाइक Cn minus ion और वी कैन से दैट Cl minus ion ओके Vr minus ion Na2 ion दीज आर मोनोडेंटेट लिगेंड मीन्स ओनली वन एटम आर लिगेटिंग एटम while other kind of ligands are those ligands having two donating atom or ligating atom these are called a didentate ligand or bidentate ligand okay simply ene is a didentate ligand or a bidentate ligand another example is oxalate represented as ox now third type of ligand are tridentate ligand ligands having three donor atom, three ligating atoms are called tridentate ligand. Tridentate ligand में क्या है कि example ethylene वाला ही कर लेते हैं example diethylene triamine, diethylene triamine. इसे हम triene के नाम से भी जानते हैं diene के नाम से जानते हैं diethylene triamine, diene होता है ठीक है तो दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ ट्राइडेंटेट लिगेंड नाउ टेट्राडेंटेट लिगेंड हैविंग फोर डोनेटिंग एटम और अ डोनेटिंग लिगेंड लिगेटिंग एटम्स टू डोनेट द सेंट्रल मेटल एटम अ लोन पेयर ओके एंड फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ट्राई इथाइल लीन टेट्राअमाइन टेट्राअमाइन मीन्स चार नाइट्रोजन आइटम होंगे तो फोर लोन पेयर आराम से एक मॉल ही डोनेट कर सकता है अब हम बात करते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड की तो सबने EDTA पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको समझा दूं EDTA का मतलब होता है एथिलीन डाइअमाइन ट्राई एसिडेट अगर एथिलीन डाइअमाइन ट्राई एसिडेट है तो उसमें फाइव लिगेटिंग एटम्स होंगे कैसे दो नाइट्रोजन के एटम और आइदर लेफ्ट साइड एंड आइदर राइट साइड में C double O negative होते हैं थ्री तो थ्री C double O negative डोनेटिंग एटम और लिगेटिंग एटम और दो नाइट्रोजन के एटम तो हो गए आपका पेंटाडेंटेट लिगेंड एक और टाइप है आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड हेक्साडेंटेट लिगेंड में भी आपका एथिलीन डाइअमाइन EDTA आता है EDTA के अंदर एथाइलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट होगा मतलब C double O negative के चार एटम होंगे और दो तो नाइट्रोजन एटम होते हैं और जो आपका EDTA होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेबोरेटरी के अंदर जो आपका हार्ड वाटर होता है उसके हार्डनेस को डिटेक्ट करने के लिए यूटिलाइजेशन करते हैं एक और टाइप है लिगेंड का टाइप एम्बीडेंटेट लिगेंड दोज मोनोडेंटेट लिगेंड हैविंग टू लिगेटिंग एटम्स सपोज करते हैं 92 NO2 नेगेटिव तो NO2 के अंदर आप दो एटम्स देख रहे हैं एक नाइट्रोजन का एटम एक दूसरा ऑक्सीजन का एटम अगर एक बार में ऑक्सीजन का एटम मेटल के साथ लिगेंड
ऑप्शन का एटम लोन पेयर डोनेट करता है, तो 92 O हम उसे लिख सकते हैं। अगर नाइट्रोजन एटम लोन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, तो आपका 92 N हो जाएगा। इसी तरीके से SCN हो सकता है, SCN थायोसाइनेटो एंड आइसोथायोसाइनेटो, तो दो आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड के एग्जाम्पल हैं। तो इस सेशन के अंदर इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।